रसोई में आपका स्वागत है। मैं रीता। मैं निहारिका। आज हम बनाने जा रहे हैं फेमस स्ट्रीट फूड राज कचौड़ी चाट। इसे बनाने के लिए हम लेंगे बारीक सूजी हाफ कटोरी, मैदा हाफ कटोरी, बेसन 2 टेबल स्पून, नमक मिलाकर बॉईल किया हुआ साबुत मूंग, मटर, काला चना, बारीक कटे हुए प्याज, उबला हुआ आलू बारीक कटे हुए हरे धनिया, नायलॉन सेव, इमली की चटनी, हरी धनिया की चटनी, अनार दाना, चीनी मिलाकर फेटा हुआ दही, नींबू, हींग, रिफाइंड ऑयल, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, रोस्टेड जीरा पाउडर, बेकिंग सोडा, चाट मसाला पाउडर और ब्लैक सॉल्ट। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी के लिए इमली 200 ग्राम, जिसको आधा घंटा पानी में भिगोकर उसका पल्प निकाल लिए हैं, चीनी 200 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, रोस्टेड जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ब्लैक सॉल्ट 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1 टीस्पून, गोल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हींग। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इमली चटनी बनाने के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है। पैन गरम हो रहा है हमारा। इसमें इमली का पल्प डाल दे रहे हैं हम। चीनी, सब मसाला इसमें डाल देते हैं एक एक करके। लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक सॉल्ट और इसमें हींग डाल दे रहे हैं। सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। चीनी के गलने तक हमें इसे मिलाना है और फ्लेम को हम हाई ही रखे हैं। देखिए चटनी उबल के अब गाढ़ी हो गई है। 15 से 20 मिनट हमें लगा इसे बनाने में। मैंने इसे प्लेन ही रखा है। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या फिर खजूर भी डाल सकते हैं। गैस हम ऑफ कर देते हैं। चटनी हमारी रेडी है। कचौड़ी के लिए आइए हम डो तैयार कर लेते हैं। फोर टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है। बारीक सूजी 4 टेबल स्पून ले रहे हैं। अब इसे नॉर्मल पानी से हमें गूथना है। अच्छे से इसे मिला लेते हैं पहले। अच्छे से मिला ले रहे हैं इसे और नॉर्मल पानी से इसका डो तैयार कर ले रहे हैं। डो हमें ज्यादा सख्त भी नहीं रखना है और ज्यादा नरम भी नहीं रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी देके इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से हमें इसे मसल मसल के तैयार करना है।
चिकना डो तैयार हो गया है। इसे हम मलमल के कपड़े से ढक के रख देंगे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए। कचौड़ी स्टफ करने के लिए हम स्टफिंग तैयार करते हैं। बेसन ले रहे हैं 2 बड़े चम्मच, थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, बेकिंग सोडा है ये, हींग ले लेते हैं थोड़ा सा, ऑयल के सहायता से, रिफाइंड ऑयल के सहायता से इसे हम मिलाएंगे। स्टफिंग तैयार हो गया है। डो, कचौड़ी का डो 10 मिनट रेस्ट कर चुका है। आइए इसकी लोइयां बनाते हैं। थोड़ा इसे मिला लेते हैं और लोइयां बना लेते हैं। स्टफिंग बेसन का जो मैंने बनाया था उसे भर लेते हैं इसमें। दूसरा वाला भी कर लेते हैं इसी तरह। सूखा मैदा में थोड़ा सा लगा के इसे हमें पूरी के जैसा हल्के हाथों से बेल लेना है। इस तरह से ये रेडी है। आइए इसे अब हम तलते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें कचौड़ी डाल रहे हैं। डालते समय हम आंच को तेजी रखेंगे। थोड़ा होने देते हैं इसे, तब पलटेंगे। इसे अब हम पलट दे रहे हैं और छन्नी से थोड़ा इसे हल्का सा हम दबा के रखेंगे ताकि चारों किनारा ये अच्छे से सिक जाए। और फ्लेम को हम लो कर देंगे। अच्छी तरह से सिक गई है, देखिए गोल्डन हो गई है। इसे अब हम निकाल लेते हैं। दूसरी कचौड़ी को डाल दे रहे हैं और फ्लेम को हम तेज कर दे रहे हैं। देखिए ये भी फूल गई है, इसे थोड़ा होने देते हैं, उसके बाद पलटेंगे इसे। कचौड़ी भी हमारा रेडी है, आइए इसे निकाल लेते हैं। देखिए कचौड़ी कितनी खस्ता बनी है। आइए इसे हम भरते हैं। उबली हुई आलू ले रहे हैं। चना,
बारीक प्याज डाल दे रहे हैं इसमें। ब्लैक सॉल्ट, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, फेटा हुआ दही इसमें डाल रहे हैं। बूंदी डाल रहे हैं इसमें, बूंदी ऑप्शनल है, ये घर का बनाया हुआ बूंदी है। हरी चटनी, इमली की चटनी, नायलॉन सेव डाल रहे हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अनार के दाने, ये भी ऑप्शनल है, भुना हुआ जीरा और डाल दे रहे हैं, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नींबू डाल रहे हैं इसमें, ऊपर से थोड़ा फेटा दही और डाल रहे हैं। इमली की चटनी, हरा धनिया का चटनी इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा, और नायलॉन सेव से ये रेडी है हमारा राज कचौड़ी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।